हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे उड़ीसा में बहुत सारे पीठा होते हैं एंड मैंने आप लोगों को सूजी का पीठा बना के दिखाया था। तो मैंने सोचा इस बार कुछ आप लोगों के लिए डिफरेंट लाऊं, जैसे जिसको कहते हैं कि कोड़ो पीठा। कोड़ो पीठा मतलब वो नीचे ना पूरा जल जाता है, एकदम काला दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कोड़ो पीठा। तो वो मुझे इतना अच्छे से नहीं आएगा, तो मैंने इसीलिए हमारे घर की एक्सपर्ट हमारी मेरी मामी सास मेरी मामी माँ को मैंने बोला है कि वो बनाएगी। उनके हाथ में सीरियसली बोलते ना जादू है, वो कुछ भी बनाती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब भी आती है मैं 5-6 दिन रख लेती हूँ कि माँ प्लीज आप बनाओ, हम लोग खाएंगे। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे खाली काम करो, ऐसा नहीं है, मैं हेल्प करती हूँ, मम्मी को हेल्प करती हूँ। लेकिन आज हम लोग बनाएंगे पोड़ो पीठा। ये केक है और आप लोग हर कोई, मैं चाहती हूँ कि उड़ीसा में जो पीठा है वो चारों तरफ जाए, हर कोई बनाए। ये खाने में बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग नॉर्मली ये पूजा पाठ त्योहारों में बनाते हैं, तो आप लोगों को भी जरूर ट्राई करना चाहिए और जरूर ट्राई करिए। अच्छा मामी बोलिए क्या क्या हम लोग लगाते हैं पोड़ो पीठा के लिए। पोड़ो पीठा में हमें चावल, उसना चावल, उड़द दाल, बॉइल्ड राइस एंड नॉन बॉइल्ड राइस, बाटी के हमें इटा रखी। अच्छा ठीक है, कितना कितना बोलिए, कितना एक कप अगर लेते हैं उड़द दाल, एक कप उड़द की दाल होती है, तो दो कप उसना। मतलब हम लोग का उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में नॉर्मली ये होता है बॉइल्ड राइस। यहाँ पे बहुत खाते हैं, ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, हजम बहुत अच्छे से करवाता है एंड मोटा भी नहीं होता, मोटे भी नहीं होते। ये मतलब इधर के जितने लोग हैं नॉर्मली बंगाल और उड़ीसा में, ये बहुत ही यूज होता है, बहुत अच्छा है, हेल्दी फूड है। हाँ, जो कि हम लोग घर में नॉर्मली खाते हैं एंड जिससे हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। जो राइस इसकी बासमती होती है, जो हर जगह हम लोग खाते हैं वो राइस हम लोग यूज करेंगे। तो दो वो है और एक पानमुरी गुंड टिके छेचिकी रखीचर आम पकेबा शुगर की जगह पे हम लोग ये गुड़ इस्तेमाल करेंगे, जो कि आजकल बहुत अच्छा होता है, नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा डाल दीजिए। देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे से हम लोग मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 घंटा भिगो दिए थे, तो इसीलिए ऑटोमेटिक फुल जाता है थोड़ा सा। ऑन कर दिया हम लोगों ने, गरम ही गलानी, गरम ही गलानी, गरम ही गलानी गैस, तेल, गैस गरम ही गला, पैन गरम ही गला, ढाली दबो तबे, ये जो बटर, ठीक है, अच्छा, अरे नॉनस्टिक का यूज कर लो, नॉनस्टिक क्यों यूज किया? नॉनस्टिक के लिए जल्दी उठी जी बोला कौन? जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ओके, वाह। फिर इसको कितना टाइम रखेंगे? 10 मिनट। फिर अभी हम इसको कैसे क्या करें, कवर कर दें? हाँ, इतना को इतने डाली इतना परे इतने गोड़े इतना पर 10 मिनट परे इतना को दस मिनट परे ना मज़े मज़े चेक भी करी पारा। अच्छा, होने के बाद हम लोग बंद करके 10 मिनट तक रख देंगे। ठीक, माइमा बाहर करो, इरे बाबा बेटा तो पूरा केक बना लग ची। काटिए
आज ये बना के हम लोग घर में सबको खिलाएंगे। इसके साथ हम लोग क्या बना के खा सकते हैं? मतलब नहीं, ये तो मीठा था, वो कौन बनेगा? नहीं मीठा तो है, गुड़ डाला है हम लोगों ने, और थोड़ा सा नमक भी डाला है ना। नहीं नहीं, इसके साथ में चटनी अगर चाहे तो, की सब्जी मीठा चटनी बहुत लगी बनी। अच्छा, प्लेन खाएगा? प्लेन खाएगा, मीठा तो भरी खाएगा। ये ना थोड़ा ठंडा होने के बाद में अगर काटेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, कटेगा पीस पीस। दिखाइए दिखाइए, देखिए लोग कितनी स्पॉन्ज है जी। ये देखिए नारियल भी है इसके अंदर आज। टिंग टिंग, तैयार हो गया है। अब हम इसे अपनी हॉटकेस में रख देंगे और रात को सबको या फिर अभी थोड़ा जब फैमिली मेम्बर सब आ जाएंगे तो हम लोग उनको खिलाएंगे। और आज आपको हमारे फैमिली मेम्बर से भी मिलाएंगे जो जो हैं घर में, और उनसे पूछेंगे कि कैसा लगा। मामी थैंक यू बहुत, थैंक यू। और एक पीठा भी हम बनाएंगे अभी और उसको भी आपको दिखाएंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी शू ये रहने पे हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मेरे पास आ गई। और हम लोग अभी बनाने वाले हैं सेकंड पिठा, सेकंड केक। और वो केक क्या है, वो पिठा बनेगा चावड़ा बुंदा लूना नड़िया का नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम ही पूछा, वो केक का नाम पूछा। सेवई पिठा, सेवैया, सेवैया जैसे निकलेगा पतला पतला, इसीलिए है सेवई पिठा। और ये मामी ने क्या चढ़ाया है गैस में, इडली, इडली छंचो, इडली इडली हम लोग उसमें बनाते हैं, उसको हम लोगों ने चढ़ा दिया है। और अभी आप लोगों को गर्म पानी, पानी हाँ, कितना लिया है चावल? आधा के जी, आधा के जी चावल गुंडो। चावल पाउडर, पाउडर आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। नूना को किलो, नमक, ये नारियल को हम लोगों ने अच्छे से कोर दिया है। और ये है हम लोगों का वो सेव बनाते हैं, वो छाछ है जिससे बनाते हैं उसम पानी, उसम पानी, गरम पानी, उसम पानी, उसम पानी पकेगी चावल गुंड टाकु भले की बड़ी बाबा। लूना पकेलो ना, लूना, हां लूना दे दी। चावल गुंड कुसुम पानी देखिए इडली छाछ नड़िया पूरा अरे वाह, एक पे सेमिया। ये कौन सा डिश है, मतलब साउथ इंडियन है कि? अच्छा वो लोग, इसको अच्छा ठीक है, फिर कितना मिनट के लिए इसको छोड़ दें? 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा ये किसके साथ खा सकते हैं हम लोग, अच्छा लगे? सब्जी ना, हाँ अरे वाह, नड़िया नारियल लग गया है ना। हम रखी थी टिकट है,
तरकारी या मटर तरकारी। प्लीज आप लोग भी घर में ट्राई करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू।